हमने तीसरा अध्याय की पिछली वीडियो में क्या पढ़े थे कि दिल्ली के शासक कौन कौन थे। उसके बाद में अब दूसरे में हम क्या पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में उसी चैप्टर का दूसरा वीडियो है कि पांडुलिपि कैसे तैयार की जाती है और पांडुलिपि कहते किसको हैं। तो पांडुलिपि का जो अर्थ होता है वो होता है पुस्तक की हस्तलिखित प्रति। हस्तलिखित का मतलब क्या होता है, हाथों से लिखी हुई कोई भी ऐसी पुस्तक जो उसकी फोटोकॉपी या वो प्रति हमारी पांडुलिपि कहलाती है। ठीक है, अब इसके जो इसको तैयार कैसे किया जाता है, इसके चार चरण हैं। ये लिखा है पांडुलिपि तैयार करने के चार चरण। सबसे पहला चरण क्या है, कागज तैयार करना। क्या कागज पहले, क्योंकि अपन वो किताब या कोई भी छापेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कागज। तो कागज तैयार करना, ये देखिए ये चित्र है एक, एक में क्या हो रहा है, कागज ये व्यक्ति तैयार कैसे करते हैं वो है। उसके बाद में दूसरा है लेखन कार्य, उस कागज को बना लिया अब उसमें लिखेंगे तो लेखन कार्य उसको कहते हैं। तीसरा है कि जो महत्वपूर्ण शब्द है जो भी अपने होते हैं अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करना। ठीक है, मतलब कि जो महत्वपूर्ण शब्द है अभी अपन क्या करते हैं, जैसे अंडरलाइन करते हैं ना पेन से, दूसरे पेन से कर लेते हैं, पेंसिल से कर लेते हैं, वैसे उस जमाने में क्या किया जाता था कि सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग अंडरलाइन के लिए किया जाता था। ये देखो ये सोने को पिघला रहा है व्यक्ति और उसको फिर अंडरलाइन के लिए काम लेगी। ये किसका है, पांडुलिपि का तीसरा चरण है। चौथा है जिल्द तैयार करना। अपन अभी क्या करते हैं, कॉपी किताबों पे जो कवर चढ़ाते हैं ना वैसे ही वो भी क्या करते थे कि कवर चढ़ाते थे उसपे पांडुलिपि पर, तो ये कवर चढ़ाने का काम। इस तरह से पांडुलिपि कैसे तैयार किए जाते हैं उसके चार चरण बताए गए हैं। सबसे पहले ये तो बहनों को याद भी हो जाएगा क्या करना है, कागज तैयार करना है, दूसरे चरण में क्या करना है उसको लिखना है, तीसरे चरण में अंडरलाइन करने की तैयारी करनी है, चौथे चरण में क्या करना था अपन को कि जिल्द उसके कवर करना था। बस ये इसकी महत्वपूर्ण बातें थी दूसरी पांडुलिपि की। ठीक है, और इसके साथ में अपने दो महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, कौन कौन से जो शब्द आते हैं वो देखने हैं। भीतरी प्रदेश किसको कहते हैं और गैरीसिंह शहर क्या है। भीतरी प्रदेश क्या है, शहर के ऐसे इलाके या क्षेत्र जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं, मतलब वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाने के काम को कहते हैं। गैरीसन शहर क्या होता है, किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं, मतलब सैनिकों की सुरक्षा के लिए ऐसे किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गैरीसन शहर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का यही है, यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अपने दूसरा वीडियो था इस चैप्टर का कि पांडुलिपि कैसे तैयार की जाती है। धन्यवाद।